क्या यार, बड़ा कमाल, देखो कैसे मस्का लगा रहे हैं यार। यस ओके ये देखो सर कर लो जितना बेकरार हूँ मैं तो बेकरार कर लो। बटर वाला कौन चाहिए बताओ, गरम गरम है क्योंकि अरे उल्टा है, अरे कुटे इधर है। हाँ पहले वड़ा पाव तो दे भाई। देखो भाई, ओह माय गॉड, डन। यू आर स्माइलिंग एंड देन सडनली देयर इज कोथमीर। बच गए। व्हाट इज दिस? कुल्फी। ऑनियन राडा। ऑनियन राडा। आई एम द मॉम। हेलो शिल्पा, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी। क्या हाल है आपके? वेरी वेरी गुड। आप कैसे हो? मस्त, एकदम बढ़िया। मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हुए हैं, बहुत कमाल है, मतलब बहुत रियल है। हाँ, and I like it when you keep it real। हाँ, मतलब लोगों को पता नहीं है, बट हम ऑफ कैमरा प्लॉट वॉट की बात कर रहे थे, मतलब कितना बीघा जमीन चाहिए बता, मेरे को अच्छा रेट मिला, तेरे को चाहिए तो बोल ऐसा सब। नहीं यार, यू नो ये मेरा ड्रीम रहा है कि मैं बम्बई से बाहर एक छोटा सा मतलब फार्म हाउस बनाऊं। हाँ। और ये बहुत सालों के बाद इस सपने को साकार करने का मौका मिला है मुझे, एंड आई हैव बॉट अ स्मॉल लिटिल प्लेस जहाँ पे मैं खुद अपने फ्रूट वेजिटेबल्स ग्रो कर पाऊँ। सो कूल यार, ना मैं, एंड आई वांट माय चिल्ड्रन टू बी क्लोजर यू नो टू द अर्थ। या तो एक ब्रेक के तौर पे आई थिंक फ्राइडे इसको मैं पूरा स्विच ऑफ होके सिर्फ संडे रात को मैं वापस आऊंगी, अगेन गेट बैक इनटू यू नो वर्क। या वर्क द फुल वीक एंड देन रिलैक्स लाइक अ क्वीन। परफेक्ट। ये देखो, हमारे शो का ना फॉर्मेट ये भी है कि हम ऐसे चल रहे हैं और यहाँ पर हमको दक्षिणायन या जो अपना वो गया कमाल खाना मिलता है, एक्सीलेंट साउथ इंडियन फूड ना। साउथ इंडियन हूँ ना मैं। हाँ मैं भी, मतलब कुछ चाहिए, सब कुछ है इधर। सनी देओल चाहिए, हीरो है, मंदिर है, मंदिर है, इस्कॉन है, तलाव है, खाना है। अभी किधर जू मार्केट की कहानियां बताओगी? आपकी पहली फिल्म कैन हो जाना शिल्पा, व्हाट डज दैट डू टू यू? Nothing, not it would have done a lot if uske baad kuch hota nahi. Yeah, I felt bad because that was a brilliant script. It was a love story. Or actually, I was supposed to be introduced with Ronit Roy. Jaan tere naam yaad hai wo picture? He was a huge star. Yeah. And I was so excited. It was with Ronit Roy and Rohit Roy. Wow. Both the brothers. Yeah. And it was a lovely script. But wo khair bani nahi. देखो जूहू में है और मुझे पता है कि आप फूडी हो, बट यहाँ का कोई खाने का अभी आइटम है तो बता दो। मिथिबाई कॉलेज आ रहा है ना इधर? यस, मिथिबाई कॉलेज में बहुत बहुत कुछ मिलता है यार, कमाल के वड़ा पाव मिलते हैं, सामने डोसा भी बहुत मस्त, डोसा भी मिलते हैं, लेकिन पूरा कॉलेज हमारे सर पे होगा। हाँ तो कुछ कुछ खाते हैं क्या? आपको भूख लगी? यार भूख तो लगी है मुझे भयंकर। इधर वड़ा पाव में बटर वेटर मार के देते हैं लोग। That's okay. Yeah. It's okay. Lunch time. Yeah. It's okay. आज अभी रोहित का जो शेड्यूल है वो खत्म हो गया है, तो रोहित शेट्टी के लिए मैं बॉडी वॉडी बना रही हूँ। I have to look fit. Really? Yeah, yeah, yeah. This is for the cop drama. Yeah, yeah. अभी थोड़ा सा प्रमोशन चल रहा है तो चलेगा। अभी हाँ। सुखी की शूटिंग है परसों। Oh shit. It's okay. मैं सलवार कमीज में। मैं बड़े कुर्ते पहन, एक दिन हम लोग कर सकते हैं। I totally relate। मैं बड़े कुर्ते पहनता था लाइफ में पहले। फिर? इसीलिए ना, क्योंकि मतलब मैं कुर्ता पहन लो तो मतलब आपका छुप जाता है ना फिर। अभी क्यों नहीं पहना तूने? अभी मैं 20 किलो कम किया। ये कम है? हाँ ये 20 किलो कम करने है। अभी मैं 10 वाले पे हूँ वापस। ऐप को डाउनलोड क्यों नहीं करते? हाँ करूंगा मैं, ये डन है। बट मैं योगा करता था आपकी वीडियोस देख के। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ मैं योगा अच्छा कर लेता हूँ। हाँ क्या बात है, अरे क्यों, अष्टांग आई ना। हाँ हाँ क्या बड़ा पाव, कमाल, देखो कैसे मस्का लगा रहे हैं यार। यस ओके, ये देखो सर। So let's stop ahead. I love this. Have you seriously got to get out and do this? Do you want to? We could try. I want to eat pani puri. You want to eat pani puri? They'll not let us eat. Do you think there will be pani puri here? No, there won't be pani puri here. Bada pani puri, let's go to Gangor. Where is Gangor? Tiwari ke bagal mein. अभी मत पूछो मेरे को, मैंने क्या बोला सबसे बिगिनिंग में, क्या बोला गूगल मैप पे रिलाय करेगा पूरा ज्योग्राफी बालती बनती है, झंड है मेरी। यही है हमारा शो का एसेंस।
अरे वड़ा पाव अच्छा है इधर। हाँ इधर खरीद सकते ना। अच्छा तो धीरज का वड़ा पाव, धीरज का वड़ा पाव फेमस तो है देखो। है हाँ हाँ तो दे धीरज दे मुझे। धीरज का सैंडविच अच्छा है। सैंडविच नहीं खाना नहीं ना। वड़ा पाव, वड़ा पाव तो, वड़ा पाव तो पीछे मिलेगा अपने को, उत्तर के जाना पड़ेगा। चल फिर। हाँ चलें क्या, ये लोग संभालो। जय माता दी, जय माता दी, थैंक यू। कम हम वड़ा पाव जाके खाने वाले। ग्रीन मिर्ची नो यार, अरे उल्टा है। पहले वड़ा पाव तो दे भाई, भूखे हैं हम लोग। बाद में पहले मैं रोटी ना। वाह 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 वाह, मेरे को वो लहसुन वाली चटनी चाहिए, ज्यादा ग्रीन नहीं चाहिए मेरे को। हाँ बस इनको तीखा बना दीजिए। हाँ एक कम तीखा एक ज्यादा तीखा, मेरे को कम नहीं, मेरे को तीखा बिल्कुल अच्छा। आई लाइक दिस। हाँ ये भी देना साथ में। निकाला गरम, अब अपने लिए गरम निकल रहा है स्पेशली। गरम गरम निकालो, ये एक तो आ गया। सी दिस, दिस इज, इसमें मजा है, देखो तीखा अच्छा लगता है, ये खा। हाँ मैं खाएगा ना आपके साथ, खाएगा वड़ा पाव के साथ खाऊंगा। ये है असली तीखी मिर्ची बिल्कुल मेरी तरह। निकम्मा देखना। 17 जून बेस्ट बेस्ट, ऐसे ही प्रमोट करते चलो। हे दिस इज सो गुड या, एक अरसा हो गया ये पी के, सो रिफ्रेशिंग या नो। सिद्धार्थ ये क्या क्या करवाया तूने मेरे से? हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ये करोगी, आपने हाँ बोला, मैंने चांद पे डांस मारा बस। मजा है लेकिन, मजा है ना। आई एम डाइंग टू ईट दिस यार डूड, सेम हियर। देखो भाई, ओह माय गॉड, व्हाट इट, ओह माय गॉड, चीयर्स। चीयर्स विद द मिर्ची, क्योंकि व्हाई नॉट। आप बनाते हो क्या वड़ा पाव खुद से भी? नहीं। हाँ लेकिन आप काफी कुछ बना लेते हो ना, लाइक दिस प्रो शेफ। बहुत कुछ लोग बहुत कुछ बना लेते हैं, सबसे पहले तो उल्लू बनाना है ना। ओह अंदर का चेंबूर बाहर निकला है। सो you've been working since forever, that we've established, but this 30 years, how does that feel? 29, it will be 30 years in a year. Really? But 29 years is a lot, yeah. Yeah, no? 1993. Kudos to that, yeah. Okay, आपको कैसा लगता है लेकिन? एक पोज कर लो, ये लड़कियां बहुत तलब खा रही हैं. Done? You're smiling and then suddenly there is kothmir. दांत में, so every actor's worst nightmare, spinach, कोथमीर। उस टाइम में ना पिक्चरें ऐसे बनती थी कि लव स्टोरी है, चार गाने हैं, कॉमेडी है, दो गाने हैं, बस दो हीरोइन है, हीरो ये है, एक में आप ही हो दो बार, दो हीरो, दो हीरो है आप, इसके ऑपोजिट हो। So they should come and narrate scripts like that to us. Really? Yeah, in the 90s. वैन्स होते नहीं थे, किसी के घर में जाके चेंज कर लिया, किसी के घर पे जाके टॉयलेट यूज किया, ऐसे सब किए आप लोग? या या, we really struggled and we enjoyed it. काम करते थे मजे, मजा करने के लिए यार, and you know we really enjoyed that process. Yeah. And honestly, मैंने एक्टिंग को इतना सीरियसली नहीं लिया। क्यों ऐसा? Till because I didn't come from a film background. I didn't know the whole
शबैंग या एज इन ट्रेनिंग नहीं थी कोई, हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी मुझे. तो सब कुछ यहीं पे सीखा मैंने. घर पे आप लोग तुलु बोलते हैं? तुलु और इंग्लिश. हाँ या सो द जर्नी हैज बीन ब्रिलियंट. या मजा आ रहा है. I can't believe that I've still lasted out. तो कुछ फिल्में चली कुछ फिल्में नहीं चली और फिर ऐसा आया लल मेरी जिंदगी में कि मुझे ऐसे लगा कि अब क्या. और फिर बिग ब्रदर हो गया. बिग ब्रदर वाज सुपर्ब नो लाइक दैट वाज लाइक गेम चेंजर. या सो दैट इट चेंज्ड पीपल्स पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स मी. आई वाज स्टिल द सेम पर्सन बट गेव मी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. मेरे को लगा था उसके बाद आप इंटरनेशनल फिल्मों में आओगी सीरीज करोगी ऐसा सब होएगा. तूने मेरा वाला पिया बाय द वे. ओह शिट. मेरे को लगा इसमें लिपस्टिक लग रहा है थोड़ा सा तो ये आप करेगा. स्टूपिड. नो दिस वन हैज लाइक लिपस्टिक मार्क्स. नो दैट्स नॉट लिपस्टिक. अभी मैं वो पीऊं. दिस डिजाइन आप पी लीजिए. अब तू खत्म कर ले. हां ओ दिस सेट ही हैड माय अलजीरा. सो या सो देन दैट रिवाइव्ड माय करियर एंड दैट टाइम आई डिसाइडेड आई वांट टू गेट मैरिड. या दैट वाज इंटरेस्टिंग. बिग ब्रदर रियली हैड लाइक सम बिट्स ऑफ द होल यू नो brown and debate of racism yes. and how it works come about into the world. So aapko kaisa lag raha tha wahan par? Matlab chalo chuck the racism for one second, let's go behind when you got the whole conversation going ki bhai somebody wanted you to be in Big Brother. Aur tab tak aisa India mein Big Boss nahi aaya. Public ko main batana chahunga ki matlab unko aisa lagta hai ki tab tha kuch apne ko koi pata nahi tha kisi ko bhi hota kya hai. So what was that like? So आपने सही कहा. मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था कि क्या है. हाँ. ये मैं किस चीज के लिए जा रही हूँ. हाँ. I've got तो extra नींबू पानी from Shilpa. Yeah, thank you. So I saw a couple of episodes. मैं बहुत डर गई. मैंने कहा यार भाई ये क्या क्या करते हैं यार लोग, मैं ये सब नहीं करूँगी. तो माई कॉन्ट्रैक्ट वॉज वेरी वाटर टाइट. मदर टोल्ड देम वेरी क्लियरली कि लिसन वी आर इंडियंस एंड वी वोंट डू दिस यू नो बेयरिंग ऑल एंड ऑल ऑफ दैट. जो नहीं नहीं यू आर गोइंग ऑन सेलिब्रिटी बिग ब्रदर. आपको वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है. आपको जो लगता है सही आप वो करिए. और मुझे ऑनेस्टली ऐसे लगा ना सिद्धार्थ कि मैं जाऊँगी. चार हफ्ते का शो था. हाँ बस मैं दूसरे हफ्ते में निकल जाऊँगी. गारंटी वाला. आपको पता मुझे लग रहा था कि मैं क्या लास्ट आउट होंगी इधर. तो सेइंग दैट एवरी वीक आई वुड बी नॉमिनेटेड और मैं बच जाती थी. फिर मैं सोच रही थी यार कि भैया क्या हो क्या रहा है. वोट कौन कर रहा है मुझे बात. देन इन द थर्ड वीक इट्स समवेयर डॉन्ड अपॉन मी दैट यू नो द एशियंस डीओपी आर अ लॉट. हां द एशियन कंज्यूमर्स आल्सो अ लॉट एंड लंदन हैड लाइक सच अ बिग पॉपुलेशन ऑफ इंडियंस राइट. एग्जैक्टली. नॉट जस्ट इंडियंस पाकिस्तानीज बांग्लादेशीज ऑल देसीज मतलब ऑल द देसीज. या सो दे रियली वेंट आउट देयर यू नो वोटेड फॉर मी. एंड और तभी लेजिट वोटिंग भी होता था. हम पब्लिक मतलब आप लोग को लग रहा है तो अभी ऐसा थोड़ा अलग नहीं है सिस्टम. आई वन बाय 64%. वाओ मतलब स्वीप. या सो इट वाज अ लैंडस्लाइड. तो एक तो ये बताओ कैसा लगा वड़ा पाव खा के. माइंड ब्लोइंग है ना. आहा मेरे को लगा आप ऐसा फुल फिटनेस जंकी रह गए और ऐसा मना कर देंगे फिर वड़ा पाव वड़ा पाव के लिए. यू नो द ये जो कार्ब्स के साथ लोग डरते हैं. हां carbs is what gives you energy. मैं हमेशा कहती हूँ you have to know how to you know strike a balance. yeah तो ये कभी कभार हो गया ना. I have at least 150 grams of rice every day in my lunch. yeah that is a staple with ghee and then I'll have a dal or you know a different kind of protein. perfect. so that is my diet my nutrition. yeah I'm saying तो ये जो हमने खाया actually सिर्फ द वड़ा वॉज फ्राइड बट अंदर का जो है वो ऑलरेडी पका हुआ है. थोड़ा सा बेसन है उसके ऊपर. बेसन इज व्हाट प्रोटीन. हाँ दैट फ्राइड एलिमेंट आई कैन अफोर्ड बिकॉज आई वर्क आउट. और ब्रेड है जो यू नो ऑब्वियसली बेक्ड है. इट्स गॉट ईस्ट इट्स गॉट मैदा जो मैं नॉर्मली खाती नहीं हूँ. बट आई लुक एट समथिंग एंड आई फील इफ यू आर चीटिंग ऑन इट चीटिंग ऑन योर डाइट इट हैज़ बी वर्थ इट. मेरे लिए वर्थ इट था. मेरे लिए भी बहुत वर्थ इट. बिल्कुल बिल्कुल. ग्रेटफुल फॉर मुंबई बीइंग सो काम एंड पॉइज्ड at 1 o'clock in the afternoon. और इसलिए खाया क्योंकि भयंकर भूख लगी थी. बहुत भूख लगी थी यार. कितने बजे? 2 बजे ना हमारे एयरपोर्ट में. एक बजने को आ रहा है. झूठे. 2 बजने को आ रहा है क्या? हाँ. 2 बजने को आ रहा है. 1:40 it is. मेरे को आपको जल्दी नहीं उतारना इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ. थैंक्स. तो फिर आता है एंड दिस इज इन माय प्लेलिस्ट. There is there's two songs that we can dance to while in the car. This of course shut up and bounce मतलब मेरे लिए
It's just like, so you've also constantly transformed and like done these new avatars, which are just like setting the screen on fire type scenes. Oh God. So, you know, the funny thing is in my career, I don't know if anyone knows this, but I have worked with all the music companies. Every music company had worked with me because apparently the thing was that agar Shilpa hai picture mein to gaane hit ho jayenge. So meri picture pitti thi lekin gaane hamesha bade the. Isme high five dena. Ye kya baat hai. To log picture ko bhul jate the lekin gaano ko yaad rakhte the. Maine kaha ye ajeeb hai destiny meri. I've written it down. So I want to tell everybody, as actor, producer, businesswoman, dancer, former model, restaurateur. Abhi aur kya karne gaye? Influencer. To matlab that's been there throughout. You've been influencing people since a while. What about my health app? मतलब वो सब लिखा ना वो businesswoman के अंदर ही आ जाता है ना. क्या करती हूँ और माँ हूँ मैं सबसे पहले. वो किरदार जो आपने बताया नहीं, वो सबसे ज़्यादा मतलब time consuming 24/7 जो वो किरदार मैं play करती हूँ वो सबसे best वाला है लेकिन. So essentially, what do you enjoy the most? Between all of these things, मतलब आपको सबसे ज़्यादा क्या easily कर लेते हो, मतलब apart from being a mother and like. ये आप believe नहीं करोगे. I enjoy every moment. I live in the moment. ये मैं अभी जो moment savor कर रही हूँ आपके साथ, ये मैं drive पे जो चली हूँ, मुझे ये moment बड़ा कमाल लग रहा है. मैंने जो वड़ा पाव खाया, मैं जो बातें कर रही हूँ आपसे, अब मैं घर जाऊँगी तो उस moment में मैं पूरी तरह से डूब जाऊँगी. फिर जब मैं बच्चों के साथ होती हूँ वो उसमें मैं इमर्स हो जाती हूँ. तो मैं हर मोमेंट को पूरी तरह से जीती हूँ और ये मेरा फिलॉसफी रहा है ज़िंदगी में और ये मेरा मंत्र है. सही है. तो आई एंजॉय एवरी मोमेंट एट दैट मोमेंट. सही है वेरी गुड. तो आप बेसिकली तो फुल ऑन मुंबई की मुलगी. Full on. है ना? Full on. Wasn't Chembur like a full forest when you were born? What rubbish! Like wasn't it all trees and all? Trees are good na for the ecosystem. I love it. अब तो बहुत develop हो गया. OAPS के बिल्कुल opposite हमारा घर हुआ करता था और वहीं पे मैं पली बड़ी और सेंट एंथनीज गई. मैं स्कूलिंग मैंने वहीं पे की. और तो उधर से इधर कैसे आने का? फिर पोदार में मैं SYJC कर रही थी और I was just around 16 at that time. ऐसी casually मैंने एक फोटोशूट कर लिया था. मेरे घर के बगल में एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने मुझे कहीं देखा कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए. इट वाज अ रियली स्ट्रेंज कंपटीशन कॉल्ड मॉड गर्ल मॉड बॉय कंपटीशन. हारी मैं उस कंपटीशन में. लेकिन फिर हाँ, मॉड गर्ल मींस लाइक मॉडल गर्ल मॉडल बॉय. हाँ, मतलब व्हाटएवर. मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया. मैं आई थिंक सेकंड लास्ट आई थी. वाओ. और यंग यू नो आई वाज अ लैंकी चाइल्ड एंड और अ गर्ल. एंड मैं वॉलीबॉल खेल रही थी तो मैं पूरी काली हो गई थी क्योंकि सीजन चल रहा था हमारा बॉम्बे जोन का. सही बात है. तो यू नो व्हेन यू आर प्लेइंग इन द सन यू बिकम रियली डार्क एंड टैंड. लेकिन उन्होंने मुझे नोटिस किया, उन्होंने बोला कि आपका फेस जो है बहुत फोटोजेनिक है. आई वांट टू शूट यू. और वो नया नया अमेरिका से आया था, मुझे लगता है ही वांटेड अ स्केपगोट. कोई भी मिल जाए. एंड टॉल आई ऑलवेज वाज. तो उस वक्त जो जिसने मेरा मेकअप और हेयर किया, और पैसे भी नहीं थे मेरे पास, उन्होंने खुद ही मतलब सब अरेंज करके उन्होंने करवाया. एंड दसवीं के बाद आपको बहुत लंबी छुट्टियां मिलती है ना SSC. तो कुछ करने का था मेरे मन में तो मैंने ब्यूटी कोर्स ज्वाइन किया और ये फोटोग्राफ्स जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए. और उसके बाद मुझे मॉडलिंग एजेंसी से फोन्स आने शुरू हो गए. cool. तो 10th standard से आपका मतलब बिल्कुल तो ऐसे ही. हाँ. और फिर 11वीं में जब मैंने पोदार ज्वाइन किया तो मुझे एक कॉल आया कि ये फला फला ऐड है, ज़रा आके स्क्रीन टेस्ट दे दो. तो मैं वहाँ पे बैठी हुई थी और सामने मेरे दिलीप नायक सर थे और वो यश जी के असिस्टेंट हुआ करते थे. उन्होंने एक पिक्चर बनाई थी नाखुदा और वो आई थिंक ही वॉज सर्चिंग फॉर अ न्यू गर्ल. और उन्होंने मुझे सामने देखा और वो एजेंसीज में क्या होता है, यू हैव दीज एल्बम्स ना, तो सारे ये पुराना टाइम है ना, मतलब यू गिव. हाँ, 30 साल पहले. नहीं मतलब एक्चुअल हैंडआउट्स होते थे. या सो ऑल द फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द मॉडल्स वुड बी इन दैट वन फाइल. तो ही वाज गोइंग थ्रू इट और उन्होंने मेरा फोटोग्राफ देखा और मैं वहाँ पे सामने थी. स्क्रीन टेस्ट देने के लिए आई थी मैं और उन्होंने देखा ऊपर नीचे दो तीन बार. एंड मेरी मम्मी थी मेरे साथ,
जमाना क्या अलग था ना, अभी सब लोग स्ट्रगल करते अकेले अकेले जाके प्रोस की तरह, लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, और उस वक्त ऐसा था माहौल, ऐसा था कि you were never so over confident. Yeah. Children today are so like well trained, and the girls and boys that come in the industry, मुझे ऐसा लगता है माँ के पेट से ही, मतलब एक्चुअली मैं बैठी थी तो उन्होंने बोला ये आप हैं, मैंने कहा हाँ मैं हूँ, एक्टिंग करोगी तुम, तुम्हारी आंखों में कोई बात है. तो माय मदर वाज सिटिंग देयर, शी सेड नो नो माय माय डॉटर विल नॉट एक्ट, बिकॉज़ आई वाज लिटरली 17 एट दैट टाइम, 16 एंड अ हाफ. तो उन्होंने बोला कि मैं माय आई सेड माय फादर विल नॉट लेट मी एक्ट. तो ही केम होम इन द नाइट, he spoke to my mom, yeah, and he came home in the night and he convinced my dad overnight ki wo college bhi karti rahe lekin wo meri picture ki heroine fit baithti hai. wah bhai, khair wo picture to bani nahi, but venus walon se phir mujhe phone aaya aur kyunki front page ka advertisement us waqt screen papers bahut famous hua karte the. kaisa wo theater ke beech mein jo ad aata hai? no screen paper used to be like a film paper, it used to go to every film production. Oh yes, I remember this. The production house and all the people that are affiliated with the industry and in this milieu. So wahan pe mera announcement hua introducing Shilpa Shetty, and I still remember I was in a red top with my hair like that, aise bushy, and I got a call from Ratanji Abbas bhai Mustan bhai met me. I didn't even audition. Yeah. They said ye hai role aap karogi, it is the remake of a film called Kiss Before Dying. Wow. I said, but I will not kiss. That was the first thing I said to Abbas bhai. And he said, नहीं नहीं आपको कोई kissing missing करनी नहीं है, आपको ये role play करना है. And I said, great, Shahrukh Khan के opposite, why not? Yes. तो that was my first tryst with the film industry, and after that it's all history. एक सेकंड आते थे, ये कैमरा फिर रख दिया इसकी बैटरी. क्या यार? ये सेंटर वाला थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा है थोड़ा, but अभी. और ये जो टॉप लाइट पड़ रहा है मेरे नाक के ऊपर, उसका क्या करूँ? ये टॉप लाइट बहुत अच्छा है. ये थोड़ा बाउंस भी आ रहा है इधर से, और आपने व्हाइट पहना तो नीचे से भी बाउंस आ रहा है. बाउंस, थैंक गॉड. हां, शट अप एंड बाउंस हो जाता है. शट अप. आप देख रहे हो टीवी जय शिल्पा शेट्टी, यहां पर एक पूरा प्लेलिस्ट है आपके लिए. ओह माय गॉड, यस. सो आई एम गोना स्टॉप ऑन द साइड, गेट दिस कैमरा सॉर्टेड, एंड देन वी आर गोना डांस. इसमें स्टार्ट में बहुत सारा कुछ होता है. नेक्स्ट. अभी इन दिनों कर दूंगा मैं एकदम ऐसे, आपकी पूरी मतलब सारा एक्टिंग का रेंज दिखेगा अभी सब लोगों को. दिस इज ऑल्सो फुल मुंबई फिल्म ना. अनुराग अमेजिंग डायरेक्टर टू वर्क विद. या एन अमेजिंग पर्सन टू नो, यू नो. या इज अ ग्रेट सोल, एंड बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे भी. हाँ, बट ऐसे आप मेरे को बताओ, एंड दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, बिकॉज यू आर सच अ बिग स्टार, यू गेट एन एनसेंबल फिल्म, व्हाट गोज इन योर माइंड, यू वांट टू डू इट, इट्स लाइक अ एड वेयर यू आर प्लेइंग इन अ, यू डूइंग अ मोंटाज, मतलब ऐसा हो जाता है. आई मैनिफेस्टेड इट, बिकॉज़ मैं गैंगस्टर, आई वॉच्ड गैंगस्टर अ वीक बिफोर, हां, और 10 डेज बिफोर अनुराग अप्रोच्ड मी, और मैं बैठ के ना देख रही थी थिएटर में, और मैं सोच रही थी यार ऐसा डायरेक्टर चाहिए यार, इसके साथ मुझे काम करना है. वाह. एंड हो गया. 10 दिन के बाद ही कॉल्ड मी एंड ही सेड बहुत कमाल का रोल है, इट्स एन एनसेम कास्ट, कुछ अलग बना रहे थे, बिकॉज़ ये एनसेम कास्ट को लेके पिक्चर बनाना उस जमाने में ऐसा होता नहीं था. नया था. एंड इट वाज वेरी लाइक अ कोरियन वाइब काइंड ऑफ थिंग, है ना. सो ही केम होम एंड ही नरेटेड द स्क्रिप्ट टू मी, एंड नरेशन के दौरान मैं सिर्फ उनको देख रही थी, और जिस पैशन से वो नरेट कर रहे थे, मतलब बहुत ही सबसे गंदा नरेशन दिया उन्होंने मुझे. कोंकणा के सीन के पहले मेरा सीन था, वो भूल गए, फिर एंड में उन्होंने बोला अरे वो कोंकणा के सीन के पहले ना वो सीन था, मतलब इज द वर्स्ट नरेटर इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा. बट द वे ही विजुअलाइजेज एवरी कैरेक्टर एंड द वे इट ट्रांसलेट्स ऑन सेल्यूलॉइड, क्या कहने यार, क्या कमाल है. और जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं ना एक्टरों को, मतलब मुझे प्यार हो गया था अनुराग से, प्यार है और हमेशा रहेगा. तो मुंबई की और बातें कर लेते, मुंबई स्लैंग्स कौन सी पसंद है, व्हाट इज द लव फॉर भाषा दैट यू हैव, एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स डू यू यूज और आर फैसिनेटेड बाय? यस, सो मेनी वर्ड्स यार. बंकस, क्या बंकस कर रहा है, क्या बात कर रहे हो, ये कौन सा वर्ड? झंड 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 इज वेरी नाइस.
बट झंड मोस्टली नॉर्थ इंडिया का भी ना, दिल्ली में झंड बढ़िया होगी उधर। आई एम अ ग्रेट मिक्स, या साउथ नॉर्थ, वाह, वाह इज आल्सो ग्रेट, या मेरा अभी ये बहुत चिपक गया है अभी, सुपर से ऊपर, सुपर से ऊपर है ना ये, किधर का है ये, मेरा है ये, आपने निकाला? हां वाह, निकाला मैंने, पैदा किया इसको। नहीं ऐसा करने का जरूरी है थोड़ा थोड़ा टाइम में, नया नया शब्द पैदा करने का, क्योंकि लोग क्या ही करेंगे जिंदगी में, बोर हो रहे, नया शब्द बना डालो बस, क्या। ओके सिंग विद मी, मेरा पार्ट आया नहीं है अभी तक। हां मैं गाएगा, पार कर लो जितना बेकरार हूं मैं, तुम भी बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। क्या बोल रही है और क्या? हाँ अभी आपको क्या और फुंतरुगिरी करने गए? अभी अपने को फालूदा खाने गए, कुल्फी फालूदा, हाँ ना, हाँ चलो ना एडवांटेज लेते हैं अभी। हाँ हाँ मेरा पास आ गया, इधर इधर बड़ा आप गाना बजा। ऐतबार कर लो जितना बेकरार हूँ मैं, तुमको बेकरार कर लो, धड़कनों पे समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। उदित नारायण तो ऐसे बैठ जाते थे ऐसा एकदम सटीक। ये गाने की स्टोरी पता है? नहीं बताओ। इस गाने को पता है कितने साल तक शूट किया हमने? नहीं क्यों? इस पिक्चर को 4.5 साल लगे थे शूट होने में। क्या बात कर रहे हो? 5 साल एक्चुअली। कहीं को ऐसा? हम लोगों ने दिल ने ये कहा है दिल से, ये जो बिगिनिंग का पोर्शन है हम लोगों ने स्विट्जरलैंड में शूट किया। हाँ। फिर कहीं बीच में पिक्चर बंद पड़ गई 1 साल 1.5 साल। हाँ। एंड वी वेंट बैक टू शूट दिस पोर्शन। Song. Yeah. देखो भाई ऐसी ट्रिविया के लिए आप मैशेबल इंडिया को सब्सक्राइब करो प्लीज, ऐसा अच्छा कंटेंट देते रहते हैं आप लोग को। आज बहुत ही रेयर ओकेजन पे यहाँ ट्रैफिक नहीं है, बिकॉज़ दोपहर का टाइम है। हाँ, तो हम इस बात का फायदा उठा लेंगे। भट्टी है ये गाड़ी वैसे। हाँ, भट्टी चाहिए तो हमको कुल्फी और फालूदा। चलें क्या? उधर जाएंगे पागल हो जाएंगे, उधर जू पे नहीं उतर सकते, वो लेके आएंगे, वो लेके आएंगे। हाँ दो कुल्फी फालूदा। आर यू स्पिरिचुअल पर्सन? यस। I'm happy you didn't ask me if I was a religious person, because that I'm yeah. not. Yeah, I know what that is. Nah, the difference is very... Yeah. I'm spiritual. Correct. And सबको अपनी अपनी space होनी चाहिए, अपनी श्रद्धा को जिस तरीके से... I'm spiritual to the level of, for me, every god is the same. Yeah. I'm a Hindu, but... the belief is otherwise. The belief... I believe also in the universe. Yeah. To be honest. Same, higher power mein belief dal do na. There is a higher power for sure. Correct. And I think that higher power is managed by our own thoughts. Haan. So, it's your mind. Correct. Main 2 minute ke liye apne se AC hata ke hamare cameras ko AC de raha hu, but apne pairon ko AC milta rahega. Aur hame AC milta rahega, ye seat cooling ki wajah se. Kuch AC nahi mila hai mujhe. AC ke naam pe jo तुम नहीं चीटिंग कर रहे हो मेरे साथ। नहीं नहीं, ये 2 ही मिनट के लिए ताकि कैमरे स्कूल रहे, कैमरे पैर पे आया ना, करना थोड़ा ज्यादा। हाँ मैं मुंह पे इसके लिए बचा रहा हूँ तू। ऊपर लेके जाएगा इसी। यही आपकी आपकी भाषा में ही मुंबईया है। हाउ यू सो रियल, ये कर देना ये मैं नहीं, ये सब रख सकते, यही तो बातें याद आएंगी। यही तो जिंदगी है देखो, मतलब हाउ यू सो रियल, तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। आई एम स्टिल अनएबल टू ग्रास्प ऑल ऑफ दिस। तुमने कितने इंटरव्यूज किए? मैंने किए 70-80 टाइप, बट मैं बचपन से एक्टिंग कर रहा है। हां वो लोग रियल नहीं है। नहीं कई लोग ऐसा, आपको पता है ऐसा, यू नो दोस एक्टर्स हु हैव दिस लाइक ऑन कैमरा पर्सोना एंड देन ऑफ कैमरा पर्सोना। मेरे को आता नहीं है। नहीं आता है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, वो रिफ्रेशिंग लग रहा है। फिर जो होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। Which is perfect. ये लो निकम्मा भी आ गया, इस पे डांस कर लेते हैं लगे। Come on! Yes, चलो डन।
Are we lowering the window? No, no, no. We are. Come now. So, sare aayenge na idhar. Kar lo, kar lo. हम जुहू चौपाटी पे देखिए पब्लिक आपको बैकग्राउंड दे देंगे। ये जुहू चौपाटी है, रमाडा प्लाजा हमारे सामने लेफ्ट साइड में जुहू बीच है। ये शिल्पा शेट्टी है, ये निकम्मा उनकी लेटेस्ट फिल्म का गाना है और अब हम नाचेंगे। रेडी कोरस आने वाला है। बहुत भीड़ हो जाएगी ये क्या? और हमको अबे फलूदा का है नीचे है क्या? वाह वाह वाह। वो रोज सिर्फ डाला नहीं क्योंकि मुझे मुझे भी नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद। लव यू रवि, मेरे डाइट का ख्याल रखने के लिए। ये देखिए ये है फलूदा, ये ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं नूडल ऐसे ही डाल दिया नीचे ना। हाँ सैड दिस लुकिंग। यस तो ये निकम्मा आप कर रही हो हाँ। इसमें एक तो आपकी एंट्री सुपर वुमन है, यू प्ले यू फुली वेयरिंग अ लियोटार्ड। कैन यू इमेजिन? टेक्स गट्स। आई कैन नॉट गट्स, इट टेक्स गट्स। मतलब In the 2000s, हाँ. मेरा लियोटार्ड and I rocked it. मैं खुद ही बोल रही हूँ इससे पहले कि तुम कुछ बोलो। Is it not like supremely uncomfortable? It was. हाँ. But it was the need of the scene, not the hour, and it worked. And you have like this full electricity flowing through you or something happening when you enter? नहीं वो था, पिक्चर जाके देखोगे ना आपको समझ आएगा मैंने क्यों पहना है। अच्छा. बहुत कमाल का कैरेक्टर है अम्मी का जो कैरेक्टर मिला मुझे। हाँ। you know, it was the first film that got offered to me. पिक्चरें तो पहले भी ऑफर हो रही थी लेकिन मुझे ऑनेस्टली अपने बच्चों को छोड़ के अभी बाहर निकलना मुझे ऐसे हो जाता है अभी। हाँ। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि अगर मैं अभी कर रही हूँ कुछ तो it has to be worth my while. And then the pandemic happened and yeah. it didn't really work, you know. So what did that do to you? Because it was touted as like this big comeback and all of those things. Which one? Been, the second part of Hangama 2. Hangama was not my comeback. Yeah? Hangama was never supposed to be my first film. Hangama maine isliye kari kyunki main Ratan ji ko kabhi na nahi bol sakti. Haan. He introduced me in the industry. Mm. And Nikama was the first film I was supposed to do. Mm. Aur wo picture अटक गई एंड आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क विद प्रियंसा। खैर बाय द टाइम द फिल्म केम आउट एंड इट केम आउट ऑन OTT एंड आई सॉ द फिल्म आई जस्ट फेल्ट यार ये तो नहीं था मेरा किरदार। हाँ ऐसा क्या? हाँ तो ऐसा था बट इट्स ओके नाउ यू नो इन फिल्म्स आई डोंट थिंक अबाउट दीस थिंग्स। अभी आपके घर के लिए राइट ना? इधर स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट। बच गए। व्हाट इज दिस? कुल्फी ऑनियन राडा। ऑनियन राडा। You got kulfi on the nada. Kulfi ka rada on my nada. Wow, 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 wow. ये देखिए मैं ना जनरली ऐसे जाके अपने बाकी जो हमारे इंटरव्यूअर इंटरव्यूज रहे उनको बोल रहा हूँ कि दीज आर ऑल लाइक डैड जोक्स बट विद यू आई कैन से दीज आर मॉम जोक्स। यू क्रैक दीज मॉम जोक्स डोंट यू? आपके बच्चे लोग नहीं बोलते आपको ऐसा कि दिस इज अ मॉम जोक? माय सन हैज द फनीस्ट सेंस ऑफ ह्यूमर। ही इज लाइक मामा दैट्स सैवेज। आधी बातें तो मेरे को समझ में नहीं आती वो क्या बोलता है। आप सीख लिए वर्ड्स उनसे? हाँ सीख ही रही हूँ अभी बस। सैवेज डोप सिक। डोप सिक। या सो मामा दैट्स सिक। या आई एम लाइक व्हाट इज सिक अबाउट दिस? आई थॉट इन आवर टाइम व्हेन वी यूज्ड टू से सिक इट्स लाइक या सिकनेस। या सिक इज अपेरेंटली अमेजिंग। या मस्ट बी गुड। या मतलब मैं मिलेनियल्स वर्सेस जेन जी पूछता हूँ। मतलब आप तो दो जनरेशन तीन जनरेशन स्पैन करके निकली हो ऐसे। कमीने। मैं क्या सच बोल रहा हूँ? ऐसे कुछ मतलब ऐसे वो नहीं बोल रहा हूँ। काला खट्टा डाल दो इधर। नहीं ऐसा सस्टेनेंस तो बहुत वो है। मनी है तो जिम में मिल मेरे को। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है। मेरे को सिर्फ इससे पहले चल मैं तेरे को योगा कितने सूर्य नमस्कार कर सकता है तू? एक टाइम पे जब कंटिन्यूस करता था 100 भी खींचा था। ये तू गलत कर रहा है। फिर मैं 12 करता हूँ अभी। हाँ अच्छे से करना। हाँ ये जो 100 करने वाले हैं ना मेरे को समझ नहीं आता। मेरे को योगा टीचर बोले रहे तो मैं किया। हाँ तो मुंबई की बारिश की कोई कहानी? I hate the rains. Yeah? Really? ये जो रोमांटिसाइज करते हैं ना बारिशों के लिए बारिश को लेके। हाँ थप्पड़ खाने का मतलब थप्पड़ देने का मन करता है। बोलो नीचे उतर के ट्रेन में ट्रैवल करने वाला पड़ेगा। मतलब द रियलिटी रियल वर्सेस रील। हाँ हाँ मतलब बारिश की बूंदे ऐसे पड़ रही है और हीरोइन ऐसे भीग रही है और भीनी भीनी खुशबू मिट्टी की कट्टू
potholes. Yes. Traffic jam. Kichad. Oh ma. And the smell, there is a smell also, na. Toss. Oh my god, it's a mess. So no, I do not like the rains. तो गलती से कोई बैग अगर रह गया आपका पसंदीदा भीग के तो उसमें से जो बास आती है। में वो मीठी रिवर ओवरफ्लोज माय सन इज स्टक इन स्कूल मेरे को ना बुरे ख्वाब आते हैं यार। यू आर अ बिग फूडी नो आई एम सो लाइक व्हाट्स द सीन कहाँ जाता है ये खाना किधर अभी ये खाया तो आपने अभी किधर जाएगा ये वर्कआउट लाइक क्रेजी जाएगा जहाँ पे हरेक का जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो ये इसके बाद पूरी राम कहानी खत्म हो रही है राम कौन है करेक्ट नहीं बट हम लोग ऐसे पावना के लिए भी कुछ रखते हैं ना ताकि पब्लिक बोले कि नहीं आप जाइए हमें दिखाइए आधा पौना किलो रखो उधर मॉम जोक्स दीज आर ऑल जोक्स व्हिच आर गुड दे आर नाइस जोक्स आई एम जोकिंग यस थैंक यू सो मच थैंक यू आई हैड अ लॉट ऑफ फन बाय बाय ग्रेट फन यार इट वाज टू मच फन दिस इज द बॉम्बे जर्नी एंड सिड साइनिंग ऑफ